चीन एक ऐसा देश है जो अपने लालच के कारण दुनिया के बाकी देशों में अपना कब्जा करते जा रहा है। यूं कहें कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना देख रहा है। चीन आज दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 1.404 बिलियन है। वहीं इसका क्षेत्र जो है वो 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो अमेरिका से भी ज्यादा है। इतना बड़ा देश होते हुए भी चीन आखिर क्यों बाकी देशों पर कब्जा करना चाहता है? इसका जवाब यह है कि चीन खनिज पदार्थों का लालची है, और उसे जिस देश में भी खनिज पदार्थ दिखता है उस पे कब्जा करने की तरकीब लगाता रहता है। अब इतिहास के पन्ने बदलता है और कहता है कि इतिहास में चीन की भूमि थी ये, तो कभी कोई और बहाना बनाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चीन कौन कौन से देशों पर कब्जा करना चाहता है या कब्जा कर चुका है, और आखिर उस देश में उसे ऐसा क्या दिखा। नंबर एक, तिब्बत। तिब्बत एक ऐतिहासिक देश है जहां पर हजारों साल पुराने मॉन्यूमेंट आज भी मौजूद है। चीन नेचुरल रिसोर्सेस का भूखा है और तिब्बत में वाटर रिसोर्सेस की कमी नहीं है। दूसरी तरफ तिब्बत की सीमा से एक बफर जोन निकलता है जो एक तरफ इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश से लगता है और दूसरी तरफ चीन को। वहीं वहां स्थित हिमालय की पहाड़ियां दुश्मनों से बचाती भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन इन इलाकों में अपना व्यापार का विस्तार करना चाहता है, और इसलिए वो लंबे समय से तिब्बत पर कब्जा पाने के लिए आतुर है। एक बात याद रखिए कि तिब्बत से ही वो दो बड़ी नदियां निकलती हैं जो चीन को पानी सप्लाई करती हैं। तो तिब्बत अगर चीन के हाथ से निकला, भारत की ताकत में आया या भारत के प्रभाव में आया, तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो हर हाल में तिब्बत पर किसी भी हालत में ताकत के बल पर, करप्शन के बल पर, पैसे के बल पर राज करना चाहता है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न इलाका अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन कहता आ रहा है कि ये साउथ तिब्बत का इलाका है, यानी कि चीन का। इस प्रदेश से बाकी देशों की सीमा लगती है, जिसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, जो बाकी देशों को इंडिया से अलग करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जिसे चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है? आपको बता दें कि इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। यहाँ पर सोने और लिथियम का भंडार छुपा हुआ है। चाइना के हिसाब से यहाँ पर 60 बिलियन यूएस डॉलर के सोने और चांदी के पदार्थ मौजूद है, और इसीलिए चीन का लालच उसे अरुणाचल प्रदेश तक खींच रहा है और अरुणाचल प्रदेश पर शासन करना चाहता है, उसे कब्जाना चाहता है। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकेगा। नंबर तीन, अक्साई चीन। अक्साई चीन वही इलाका है जिसके कारण 1962 में चीन और इंडिया का युद्ध हुआ था। असल में 1950 के दशक में चीन ने इस इलाके में तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक सड़क का निर्माण किया था, जिसे लेकर इंडिया में आक्रोश पैदा हो गया था और आखिर में 1962 में युद्ध हो गया। यह युद्ध खत्म होने के बाद चीन ने अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे कर लिया था। ये इलाका चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्साई चीन जमीन से 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है, और अगर चीन की लड़ाई इंडिया या और किसी देश या पड़ोसी देश से होती है तो ये इलाका उसके लिए जीत साबित करेगा। इसीलिए अक्साई चीन चीन ने हथियाया। नंबर चार, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में चीन की पूरी तरीके से दादागिरी चलती है, और वो लंबे समय से यहाँ पर अपना कब्जा जमाता रहा। इतना ही नहीं, चीन ने दक्षिणी चीन सागर में वुडी आइलैंड और स्पार्कली आइलैंड का भी निर्माण कर रखा है, ताकि वो इस इलाके में अपनी दादागिरी कायम कर सके। चीन इस समुद्री सीमा में लगे फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई, ताइवान और मलेशिया जैसे देशों पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से अब यूएस की नौसेना यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है ताकि यहाँ शांति बनी रहे। चीन के लिए दक्षिणी चीन सागर किसी सोने की खान से कम है, क्योंकि यही वो इलाका है जिसकी वजह से चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में व्यापार करता है और हर साल 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मुनाफा कमाता है। इसके अलावा ये क्षेत्र तेल और गैस के भंडारों से भरा हुआ है। यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर 11 बिलियन बैरल कच्चा तेल उपलब्ध है और साथ ही 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस। साथ ही दक्षिणी चीन सागर सी फूड से भरा हुआ है। पूरी दुनिया का 10% सी फूड यहाँ उपलब्ध है, और इसीलिए चीन इस इलाके को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना चाहता है। नंबर पांच, ताइवान। इतिहास में ताइवान चीन का ही हिस्सा था। चीनी शासकों ने 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान पर राज किया था, लेकिन बाद में ये चीन से अलग हो गया और ये आज के समय में एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ डेमोक्रेसी। 1970 के बाद से यूएस ताइवान का बहुत अच्छा मित्र बना है और उसने ताइवान को बहुत से हथियार भी बेचे हैं। आज के समय में ताइवान के पास एक बड़ी सेना और कई हथियार भी मौजूद है। हालांकि देखा जाए तो ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक इसे आधिकारिक तौर पर लोकतांत्रिक देश नहीं माना गया है। लंबे समय से चीन ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि एक तो ताइवान के कंप्यूटर निर्माता दुनिया के पहले स्थान पर हैं, दूसरा ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए एडवांस्ड हथियार मौजूद हैं, और तीसरा चीन ताइवान को चीन का ही अंग मानता है, क्योंकि इतिहास में चीन का ही पाठ हुआ करता था।
ये बड़ी अच्छी बात होती है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, हांगकांग। हांगकांग ही वो देश है जिससे चीन अपनी ताकतों को और बढ़ाना चाहता है। हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन चल रहा है। असल में 1997 तक हांगकांग ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद चीन को सौंप दिया गया। लेकिन उस समय भी हांगकांग के लोगों को अपनी स्वतंत्रता को लेकर संशय था, इसलिए यह अग्रीमेंट बनाया गया कि 50 सालों तक हांगकांग की जनता अपना खुद का नियम बना सकती है, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश की तरह जी सकती है जिसमें चीन कोई दखलअंदाजी नहीं करेगा। और इस 50 साल की अवधि को अभी खत्म होने में बहुत समय बाकी है, लेकिन हाल ही में चीन ने हांगकांग पर अपना कानून थोप दिया है। इस कानून के तहत अगर कोई भी हांगकांग वासी चीन में अपराध करता है और हांगकांग वापस चला जाता है तो उस अपराधी को चीनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, ना कि हांगकांग के रूल्स के हिसाब से, और इसीलिए हांगकांग में प्रदर्शन चल रहा है। चीन के लिए हांगकांग बहुत महत्वपूर्ण देश है क्योंकि हांगकांग ही वो ब्रिज है जो एशियाई देशों को जोड़ता है, और ये चीन के व्यापार के लिए मुख्य इलाका है जिससे चीन बिलियन डॉलर्स की कमाई कर सकता है। कुल मिलाकर चीन दुनिया पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है कि उसके अंदर बहुत सारी लालच भरी हुई है, बहुत सारा प्रगति की जो चाह है वो भरी हुई है, भले वो प्रगति जो है, वो उन्नति जो है, वो डेवलपमेंट जो है, किसी भी कीमत पर आ जाए, ये गिरा हुआ है चीन। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस नॉलेजेबल वीडियो को पूरे इंटरनेट पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम रोजाना आप सबके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।